निःशुल्क तबला वादन सीखने के लिए आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल अलंकार तबला क्लास में। दोस्तों, थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं आपको आषाढ़ी एकादशी स्पेशल लेसन सिखाने वाला हूँ। इस स्पेशल लेसन में मैं बहुत कुछ कठिन सिखाने वाला हूँ ऐसा भी नहीं है। इस स्पेशल लेसन में आज मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण जो बात भजन में कीर्तन में आती है वो है गजर। गजर यानी जिस किसी भगवान का आप कीर्तन या भजन करते हो उस भगवान का बार बार नाम लेना, तो उसे बोलते हैं गजर। तो बहुत सारे हमारे भाई ऐसे हैं कि उन्हें गजर बजाते समय क्या बजाना चाहिए, या फिर अगर गजर का स्पीड बढ़ता है तो वो स्पीड में हमें किस प्रकार अपने आप को स्टेबल करना चाहिए, ये सारी बातें आज मैं आपको बताने वाला हूँ। पहली बार अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर आए हैं तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब तब करिए जब हमारे सारे कंटेंट आप पहले एक बार देख लीजिए, उसके बाद ही आप हमें सब्सक्राइब करेंगे। तो दोस्तों, आज का लेसन बड़ा ही आसान है, चार चार मात्रा का लेसन है। देखिए, धागिन धा धागिन धागिन धा धागिन ताकिन ता तकिन तकिन ता तकिन। अभी आपके स्क्रीन के ऊपर सारे शब्द आ रहे हैं, आप वहाँ से इसे नोट डाउन कर सकते हैं। नोट डाउन करने से पहले मैं एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि आप सबसे पहले उसे रट ले, अपने दिमाग में उसे बिठा ले, ठीक है। धागिन धा धागिन धागिन धा धागिन ताकिन ता तकिन ताकिन ता तकिन धागिन धा धागिन धागिन धा धागिन ताकिन ता तकिन ताकिन ता तकिन। स्क्रीन के ऊपर सारे शब्द आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहला पार्ट, धागिन धा धागिन धागिन धा धागिन धागिन धा धागिन। आप इसका भी, ये न का भी प्रयोग कर सकते। देखिए, धागिन धा धागिन धागिन धा धागिन। एक्चुअली इसमें इसका ही प्रयोग ज़्यादा है, तो आप इसका ही धागिन धा धागिन ऐसा करने से अलावा आप धागिन धा धागिन धागिन धा धागिन। अभी ऐसा क्यों, तो उसका उत्तर मैं वीडियो के अंत में दूंगा, ओके। धागिन धा धागिन धागिन धा धागिन धागिन धा धागिन, ओके। धागिन धा धागिन धागिन धा धागिन, ओके। अब इसको आप जब फास्ट बजाते हो तो उसका बजाने का तरीका, इस प्रकार वो जाएगा, लेकिन सबसे पहले आपको स्लो बजाना है। धागिन धा धागिन, ओके। फिर इसका काल, ताकेन ता ताकिन ताकेन ता ताकिन ताकेन ता ताकिन। अभी बस आपको धा की जगह ता लगाना है और क का इस्तेमाल करना है, ओके। ताकेन ता ताकिन ताकेन ता ताकिन, ओके। ताकेन ता ताकिन। अभी फिर से पूरा लेसन, धागिन धा धागिन ताकिन ता ताकिन धागिन धा धागिन केन ता ताकिन। अभी जिस प्रकार आप गजर बजाते हो उस गजर के ऊपर भी ये सारी, ये जो ठेका है इसका विस्तार किस प्रकार होगा तो उसके ऊपर भी सारी चीज़ें निर्भर करती है, ओके। धागिन धा धागिन धागिन धा धागिन धागिन ता धागिन धागिन ता धागिन। ता अगर आप क का भी इस्तेमाल करेंगे तो वो और भी अच्छा लगेगा, या फिर ताकिन ता ताकिन ताकिन ता ताकिन, या फिर इस प्रकार वो पूरी तरह से चला जाएगा। अब हम इसे देखते हैं कि गजर में इसका इस्तेमाल कैसे होता है। जैसे कि अभी हम आषाढ़ी एकादशी है तो विठ्ठल जी का नाम लेते हैं, ओके। विठ्ठल 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 विठ्ठल। धागिन धा धागिन धागिन धा धागिन ताकिन ता ताकिन ताकिन ता ताकिन ताकिन ता ताकिन ताकिन ता ताकिन। विठ्ठल 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 विठ्ठल। फिर से धागिन धा धागिन ताकिन ता ताकिन। इन सारी चीज़ों को आपको दो दो बार बजाना है, इस प्रकार और चार बार हो जाएगा। आपने इस गजर बजाने के साथ साथ
आप इसका एक जो स्पीड है वो भी बढ़ा सकते हो और वो सुनने में भी बहुत अच्छा लगेगा। खुला बजाइए, वो और भी अच्छा लगेगा पखवाज के साथ अगर आप बजा रहे हैं तो, और अच्छा लगेगा और सभी लोगों में आपका वादन भी अच्छी तरीके से हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आज का लेसन, आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। धन्यवाद।